Hello friends, welcome back of you in another video in this YouTube channel CENT Civil Engineering and Technology. Friends, आज इस वीडियो में सिखाऊंगा मैं हम जो क्रैंक बार होती है स्लैब में वन वे स्लैब होते या टू वे स्लैब, ठीक है। आपकी ये जैसे कि ये टू वे स्लैब हो गई, ओके, ये टू वे स्लैब। टू वे मतलब क्या होता है, दो बोथ साइड में जब से ये जो बीम है ये सपोर्ट हो गई, ठीक है, ये बीम है ये सपोर्ट हो गई, वो सामने बीम है एंड ये बीम है, इसके चारों तरफ बीम होती है, ठीक है, और सपोर्ट होता है, बीम का चारों तरफ सपोर्ट होगा, और जिसका रेशियो लॉन्ग स्पैन अपॉन शॉर्ट स्पैन अपॉन लॉन्ग स्पैन, ठीक है, वो रेशियो होता है टू से कम हो या दो के बराबर, टू से कम हो, ठीक है, वो आपका वन वे स्लैब टू वे स्लैब रहेगी, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा, ये आपका दो साइड में क्रैंक बार यहाँ पे यूज होती है वो टू वे स्लैब है, ठीक है। इधर से भी आप सपोर्ट से ले रहे हैं, इधर भी क्रैंक बार ले रहे हैं, उधर से भी क्रैंक बार ले रहे हैं। इसको क्या करते हैं, जो सपोर्ट है, जो स्लैब का जो स्पैन होता है, जो स्लैब है ये यहाँ से इस सपोर्ट से ही सपोर्ट है, जो स्लैब का स्पैन है, दूरी है, जो किनारा है, जो बेंडिंग मोमेंट होता है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, जिसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है, ये वाला क्या होता है, ये बैंड नहीं, नीचे को बैंड नहीं होने देता है, ठीक है। नीचे क्या होता है, बैंड नहीं होने देता, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमेशा देखना कि जो किनारा होता है वही सबसे पहले बैंड करने की कोशिश करता है। तो ये आपको क्या करेगा, जो बीम से सपोर्ट होता है, डबल जाल होता है, ये बेंडिंग मोमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो स्लैब को क्या होगी, बैंड नहीं हो पाती है, ये बीच सपोर्ट होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो इसमें आपको सिंगल जाल दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रैंक बार यूज देंगे, उसके बाद वो एंड सपोर्ट है वो उधर से क्रैंक बार, और इधर से आपको जब वो सपोर्ट देंगे क्रैंक बार, तो L/4 से L/7 तक इसमें आप क्रैंक बार ले सकते हैं। L आपकी क्या रहेगी, ये अंदर अंदर की दूरी, ठीक है, इस बीम से किनारे स्लैब की जो अंदर अंदर की दूरी है आपकी स्पैन है, ठीक है। और उसके बाद डिवाइड L/4 टू L/7 तक हम क्रैंक बार तोड़ते हैं, अगर ड्राइंग में गिवन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद आपने देख सकते हैं इसकी स्पेसिंग हमेशा जरूर चेक करना कि बॉटम जो मेन बार क्या रहता है, आपका मेन बार क्या रहेगा, शॉर्ट स्पैन, जो आपकी जो ये स्लैब है, जो टोटल स्लैब है, इस स्लैब में ठीक है, पूरी स्लैब में जो कम दूरी है वो आपका क्या रहेगा, शॉर्ट स्पैन, और जो ज़्यादा दूरी है वो लॉन्ग स्पैन, ठीक है। तो शॉर्ट स्पैन हमेशा क्या रहेगा, मेन बार रहेगा, ये क्या रहेगा, जो बॉटम बार रहेगा हमेशा याद रखना, चेक भी करना कि ये रहेगा मेन बार क्या है, शॉर्ट स्पैन, ठीक है। उसके बाद टॉप रहेगा ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार या फिर क्रॉस बार, इसको आप क्रॉस बार मान सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार। इस तरह फिर डबल जाल जैसे आ जाएगा, ये आपका क्या चले जाएगा, टॉप पे चले जाएगा, ये आपका नीचे चले जाएगा बॉटम में डिस्ट्रीब्यूशन बार, इस तरह से क्या जा रहा है, ये मेन बार, ठीक है, ये बॉटम में है तो ये क्या चले जाएगा ऊपर टॉप में, और डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका अंदर अंदर रहेगा, ठीक है, ये दोनों अंदर अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। इस तरह से हमें ऑलवेज चेक करना, और इसके बीच में हमेशा याद रखना, अगर ये डाउन होती है, अगर एक दूसरे जाल से पीछे मिल जाती है, तो उसमें क्या करेंगे, चेयर प्रोवाइड करेंगे। मैं चेयर दिखा देता हूँ किस तरह से बनाते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई है चेयर की लेंथ कैसे निकालते हैं, तो अब इसमें भी आप मैं जैसे प्रोवाइड करेंगे चेयर, तो उसमें दिखा दूंगा आपको। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, ये फ्लैट बीम, ठीक है, फ्लैट बीम के बारे में नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा मैं, काफ़ी वो होती है एक्सपोर्ट ड्राइंग के बेस पे, ठीक है। तो स्लैब में आप देख सकते हैं हम क्रैंक बार क्यों प्रोवाइड करते हैं, नेगेटिव मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए हम इसको क्रैंक बार को प्रोवाइड करते हैं स्लैब में, ताकि बेंडिंग मोमेंट ना हो बीच में, आपको स्लैब बैंड ना हो जाए बीच में से, ठीक है। और किनारा सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जो किनारे पर ही पड़ता है, इसलिए हमको क्रैंक बार डबल जाल दे देते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने हमारे साथ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।